हेलो एवरीवन वेलकम टू जीके टुडे दिस इज आरजू कक्कर मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं खुश हैं और इस पर्टिकुलर सेशन में आज के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पार्ट हैं ऑफ़ द डेली ट्वेंटी एमसीक्यू सीरीज़ जो कि आपको जीके टुडे की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएगी इस ऐप आप में आपको मोर देन फाइव प्लस क्वेश्चन मिलेंगे एवरी मंथ और साथ ही साथ आपको कैटेगरी वाइज कंपाइलेशन भी क्वेश्चन एसोसिएटेड उस कैटेगरी से एसोसिएटेड क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे तो आप इसको रेफर कर सकते हैं शुरू करती हूँ आज के क्वेश्चन के साथ एक पोर्ट है जो कि न्यूज में रहा है और वो न्यूज में क्यों रहा है वो हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी तो पोर्ट एलिजाबेथ या फिर पोर्ट कैब्रिज जिसको आप उस नाम से भी जानते हो इट वाज रिसेंटली इन न्यूज ये पोर्ट जो है इट इज अ पोर्ट सिटी ऑफ विच कंट्री तो कहाँ पर है ये पोर्ट एलिजाबेथ बताइए कहाँ है हमने इसको कवर किया है जब मैंने आपके साथ बात करी थी सेवेंथ एडिशन की आई बी एस ए एम ए आर इस एक्सरसाइज की बात करी थी जो कि रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी इसका सेवेंथ एडिशन और इसका 2016 के अंदर जो हुई थी ये तब गोवा में हुई थी अगर आपको ये याद हो मैंने डिस्कस किया था तो साउथ अफ्रीका में ये पोर्ट है ऑप्शन ए बी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है तो ऑलरेडी हमने इसके बैक एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूज में क्यों रही थी वो भी मैंने शेयर कर दिया था आपके साथ जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा अंडर दी भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम मिनिमम ऑफ हाउ सैटेलाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर दी एंटायर एग्रीकल्चरल एरिया ऑफ लैंड क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम के अंदर मिनिमम कितनी सैटेलाइट्स की जरूरत रहेगी ताकि आप इंडिया का एंटायर एग्रीकल्चर एरिया जो है उसको कवर कर सको

अगर मैं एग्रीकल्चर एरिया की इंडिया में बात करूं तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉय करता है अराउंड 590 मिलियन पीपल इन द कंट्री और जो क्रॉप लैंडस हैं दे कवर ओवर हाफ ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया ठीक है तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि आप एग्रीकल्चर जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको स्पैन करें पेस्टिसाइड्स हो गया इरीगेशन क्रॉप डाटा ड्रॉट स्टेटिस्टिक्स राइट तो ये सब कुछ जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टे इंपॉर्टेंट है जो इन्वेस्टिगेटिंग वेज हैं वो अच्छे होने चाहिए ताकि आप अपने आगे टाइम पे क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कर पाए वैसे तरीके की मॉनिटरिंग एग्रीकल्चर की हो तो उसी के चलते ये प्रोग्राम है मिनिमम ऑफ टू सेटेलाइट रिक्वायर्ड रहेंगी ताकि आप एंटायर एग्रीकल्चर एरिया जो है कंट्री का उसको कवर कर सको देखो एक एग्रीकल्चर सेंसस भी होता है वैसे तो एग्रीकल्चर सेंसस सबको पता ही होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कंडक्ट करती है पूछा जा सकता है और साथी साथ ही

पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो रिपोर्ट मैं कवर भी कर चुकी हूँ अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाना चाहिए बाय व्हाट परसेंटेज दी मोनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज़ प्लन्च इन दी लास्ट फिफ्टी ईयर्स पिछले पचास सालों में कितनी परसेंट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन मोनीटर करी गई कि इट हैज़ प्लन्च एज पर दी लिविंग प्लान रिपोर्ट इस रिपोर्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूं कि वो जो परसेंटेज है वो है सिक्सटी नाइन परसेंट ऑप्शन सी आपको याद होगा जब मैंने अभी रिसेंटली लिविंग प्लानट रिपोर्ट की बात करी थी कि ये बाई एनुअल रिपोर्ट है दो साल में एक बार होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो इसको लेकर आता है रिपोर्ट को और इसका जो हैडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में ठीक है और इस साल ये जो रिपोर्ट थी उसका फोर्टीन एडिशन था जहां पर आप कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी करते हो कि किस तरीके से आपकी जो ग्लोबल बायोडावर्सिटी का क्या ट्रेंड है आपके प्लानट की हेल्थ कैसी है तो ये सब जो है वो देखा जाता है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन जो है वो है इंटरपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं विच सिटी वॉज होस्ट टू जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंटरपोल बोलते हैं चलिए बताइए विस सिटी वॉज होस्ट टू जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल पैरिस नहीं है रोम भी नहीं है डेली है डेली इज द राइट आंसर ये नाइनटीएथ मीटिंग थी याद में रखना ऑप्शन सी इसका आंसर है नाइन्टीएथ मीटिंग थी ये जो कि नई डेली के अंदर होगी अभी सॉरी एटींथ ऑफ अक्टूबर से ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर तक के बीच में ठीक है तो इंटरपोल के बारे में जान लो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है लियोन फ्रांस के अंदर है कब इस्टैब्लिश हुई थी 1923 के अंदर इस्टैब्लिश हुई थी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है देखो अगर अभी कोई बैंक से पैसे लेके भाग जाए या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रैफिकिंग की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है तो अब हमारी पुलिस जाके उधर तो जाएगी नहीं ऐसे तो बहुत ही सिस्टम सिस्टम से होता है हर काम तो ये बेसिकली एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फेलिसिटेटिंग इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन ताकि आप ये जो एक्टिविटीज हैं अगेंस्ट दी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इनको प्रॉपर चेक कर सकें ठीक है ये इंटरपोल ये यूनाइटेड नेशन uh, का बेसिकली सिस्टम का पार्ट नहीं है ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हर कंट्री के अंदर नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है ठीक है अभी क्या है हर कंट्री में एनसीबी जो मेंबर कंट्रीज है हर कंट्री में एनसीबी है ताकि आपस में लिंक कर सके कॉपरेट कर सके और जो है इन्वेस्टिगेशन हो सके जैसे इंडिया में क्यों है सीबीआई सीबीआई जो है वो रिप्रेजेंट करती है इंटरपोल को इन इंडिया एज दी हमारी कंट्री की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो नाइनटीन में फाउंड हुई थी मैंने आपको बता दिया पह दूसरी बार है इंडिया के अंदर की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है पहले हुई थी नाइनटीन सेवन के अंदर ठीक है तो ये भी याद में रख लेना और ये इंटरपोल कितने टाइप के नोटिस इशू करती है एट तरीके के सात आठ छह सात पूछा जा सकता है तो एट तरीके के होते हैं कलर कोडेड होते हैं और जैसे कि ब्लू रेड ग्रीन येलो नोटिस ऐसे अलग अलग नोटिस होते हैं ठीक है इट इज हेडेड बाय द प्रेजिडेंट हु ऑफिस ऑफ फाइव फोर ईयर्स करंटली बींग बाय अहमद नसीर अल रसी ऑफ यू तो ये इंफॉर्मेशन है याद में रख लेना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है हु रोड द बायोग्राफी अंबेडकर अ लाइफ बायोग्राफी अम्बेडकर लाइफ आपको आगे जाना ही नहीं है शशि थरूर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अब बात करती हूँ इस पर्टिकुलर बेसिकली बायोग्राफी की तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर लिखी गई बायोग्राफी उनकी बायोग्राफी पे है ये लिखी गई है बाय शशि थरूर जिसमें बात करी गई है कैसे अंबेडकर की लाइफ जर्नी उन्होंने जो हर्डल्स फेस करी सोसाइटी में जो दलित्स uh, के uh, उन बेसिकली सो हेज टू मेक अनटचेबिलिटी इलीगल द सो टू ओवरकम हर्डल्स द हॉर्डल्स ही हैड टू ओवरकम इन द सोसाइटी दैट स्टिगमेटाइज दलित्स हिज फाइट्स टू मेक अनटचेबिलिटी इलीगल तो मैंने आपको बताया भी था एक uh, अच्छा इस सेशन में नहीं था जब मैंने कैटेगरी वाइज कंपाइलेशन अगर आप देख रहे हो तो मैंने एंशियंट लिटरेचर में करी थी और मनुस्मृति पे बात करी थी मैंने आपको कहा भी था और आप मैं यहाँ पर भी बोलूँगी आप प्लीज़ वो ज़रूर जाकर देखना एक बर्निंग इवेंट ऑफ मनुस्मृति जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी, भी इन्वॉल्व है जाना करो ये लाइफ स्टोरीज अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन भी मिलती है ये जो बायोग्राफी है शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है ऑन ऑन डॉक्टर पी आर अम्बेडकर अफ होस्ट टू समिट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया सी आई सी ए बोला जाता है ठीक है तो चलिए अभी आप इसका आंसर बता दीजिए Which city was host to this sixth summit of आई सी ए द राइट आंसर इज अस्ताना Option B बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसके बारे में अगर बात करूं तो हमारे तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जिनका नाम है मीनाक्षी लेखी लिड दिस इंटर इंडियन डेलीगेशन एट दिस कॉन्फ्रेंस ये कॉन्फ्रेंस जो है सी आई सी ए इट इज अ बॉडी जो कि काम करती है टुवर्ड्स बिल्डिंग पीस एशिया के अंदर पीस स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के ऊपर 1992 में इस्टेब्लिश करी गई थी बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान एट फोर्टी सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली करंटली इसमें कितने मेंबर्स हैं ट्वेंटी सेवन मेंबर्स हैं क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर है बिल्कुल एक इंडिया फाउंडिंग मेंबर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सीआईसीए का सेक्रेटरी कहाँ पर है दी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ सीआईसीए जब मुझे चैट सेक्शन कमेंट सेक्शन में सबके आंसर चाहिए इसी के साथ साथ मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ जब ये सबमिट हुई थी ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर को तो थ्री मेजर इवेंट्स जो मार्क करे गए सबसे पहले तो ये इस बार थर्टियथ एनिवर्सरी थी ऑफ दी आई सी ए और इसके चलते जो कजाकिस्तान की जो चेयरमैनशिप थी दो साल की वो खत्म होती है और साथ ही साथ यहाँ पर और बेसिकली जो बात हुई थी वो ये थी कि अब यहाँ ये जो कॉन्फ्रेंस है आप देख रहे हो ये टर्म कॉन्फ्रेंस है अभी इट इज टू ट्रांसफॉर्म इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन तो ये याद में लेना ठीक है अभी कौन हम ऐसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन लेकिन इट विल सून बी ट्रांसफॉर्म टू ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी एक जन प्रकाश हु रिसेंटली वॉन एट मेडल्स एट दी थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स which sports? बताइए हमने ये पढ़ा भी है अगर आपने थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स के बारे में पढ़ा हो ये मैंने पूछा भी था ऑफिशियल मैस्कट ऑफ थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स जिन्होंने आंसर दिया था बिल्कुल सही दिया था जिन्होंने नहीं दिया काफियों ने नहीं दिया था मैं वापिस आपके पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना बाकी सब जिन्होंने दे दिया बिल्कुल सही आंसर था मैंने देखा है ठीक है जिन्होंने नहीं दिया है वो जरूर लिखें थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स जो है वो कहाँ हुए थे गुजरात के अंदर गुजरात में कितनी सिटीज में हुए थे चलो ये बा, बाकी बताना सभी बताना वैसे गुजरात में कहाँ कहाँ हुए थे थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स सजन प्रकाश जिन्होंने रिसेंटली हु वॉन एट मेडल्स वो केरला से हैं ये भी बता देती हूँ और रिलेटेड टू विच स्पोर्ट वो है स्विमिंग ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स के बारे में मैंने एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन बताई है कुछ आपसे पूछ रही हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो इंडियन uh, स्विमर है फ्रॉम केरला आठ मेडल्स जीते हैं और साथ ही साथ बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड भी जीता है बाय गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ही आल्सो रिसीव दिस अवार्ड कहां पर सरदार पटेल एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स में राजकोट के अंदर ठीक है जी चलिए विच क्लास ऑफ मिसाइल्स इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन डिजाइंड एंड बिल्ड बाई इंडिया बहुत ही एक अच्छी खबर जहाँ पर इंडिया जो है ये इंडिया की पहली इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन होगी दैट हैज़ बीन इंडक्टेड इन दी इंडियन नेवी लॉन्च हुई थी 2009 में ठीक है और कमीशन हुई 2016 के अंदर कौन सी क्लास ऑफ मिसाइल्स की बात कर रहे हैं हम विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन डिजाइंड एंड बिल्ड बाई इंडिया आई एन एस अरिहंत ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है तो यहाँ पर वी हैव दैपेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग द न्यूक्लियर वेपन अब हम न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकते हैं फ्रॉम सबमरीन जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है अचीविंग न्यूक्लियर ट्रायड पहले तो क्या था हम लोग सिर्फ आप ऐसे अगर आपको कोई भी अटैक करे तो आप पहले तो हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम पहले अटैक करें फ्रॉम द न्यूक्लियर वेपन्स वी फॉलो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी लेकिन अगर अटैक हो जाए तो लैंड पे जो पड़ी है वो तो ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जहां पर अब इंडिया न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है फ्रॉम लैंड एयर से भी और अब सी से भी ठीक है तो एक रिटेलियटरी अटैक की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है जब एनिमी स्ट्राइक करे आपके ऊपर तो अब आप सी से इन सबमरीन्स के थ्रू तो ये बेसिकली ये जो मैं आईएनएस अरिहंत की बात कर रही हूँ ना ये लॉन्च हुए हैं बेसिकली क्लासिफाइड अंडर दी एस एस बी एन प्रोग्राम ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बेलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन है एस एस बी एन बेसिकली क्या है जहाँ पर जो सबमरीन्स हैं दे कैन गो डीप ओशन के अंदर बेसिकली दे कैन गो और फिर इनको डिटेक्ट करना मंथ्स तक मुश्किल हो जाता है एंड ये एक न्यूक्लियर पावर्ड है और बेलिस्टिक मिसाइल जो है ये न्यूक्लियर सबमरीन है जिसे आप लॉन्च कर सकते हो और जो लॉन्च कर सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है याद में रख लेना इट इज़ आर्म्ड विद के फिफ्टीन पूछा जा सकता है कौन सी मिसाइल्स के फिफ्टीन सागरिका मिसाइल्स जिनकी रेंज है सेवन फिफ्टी किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं जिनका ये ट्रेजेक्ट्री होती है ऐसी वाली फिर होता है इधर फ्री फॉल लेकिन बोला जा रहा है कि लेटर इसको आर्म किया जाएगा आई एन एस आरियन जो न्यूक्लियर सबमरीन है विद के फोर मिसाइल डेवलप बाय डी आर डी ओ और कैपेबल है ऑफ द स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग टारगेट कितने का थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स का तो ये सारी के फैमिली है के सीरीज जो मिसाइल्स हैं के फैमिली से हैं के नाम आता है फ्रॉम आफ्टर दी फॉर्मर प्रेसिडेंट ए पी जे अब्दुल कलाम ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको आईएनएस अरिहंत के बारे में भी बता देती हूँ आई अरिहंत जो है एक सिक्स टन की सबमरीन है तो याद में रख लेना और इसी के बाद जो सेकंड ऐसी सबमरीन जो है दैट इज टू बी बिकम फुली ऑपरेशनल अगले साल तक वो है आई एन एस तो ये आपको याद में रखना है तो एक न्यूक्लियर पावर्ड बेलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसर प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई पहली न्यूक्लियर सबमरीन है दैट इज डिजाइंड एंड बिल्ड बाय इंडिया तो इसको लॉन्च किया बहुत सक्सेसफुली लॉन्च हुई एंड इन बे ऑफ बंगाल और विद अ वेरी हाई एक्यूरेसी जो टारगेट था वहीं पर तो बहुत ही एक सक्सेसफुल लॉन्च uh, रहा है और बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये वेयर आर दी हेड क्वार्टर्स ऑफ एस सी ओ रैट्स दैट वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली बताइए रैट्स का मतलब चूहे नहीं है यहाँ पर ऑन अ लाइटर नोट चलिए अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर वेयर आर दी हेड क्वार्टर्स ऑफ एस सी ए रैट्स फिर मैं आपको एस सी ओ रैट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर करती हूँ लेकिन आपको इसका पहले हेड क्वार्टर बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हेडक्वार्टर है तेजकांत में तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपको लगेगा एस का हेडक्वार्टर तो शंघाई के अंदर है बिल्कुल लेकिन यहाँ पर जो है वो रैड्स का जो हेडक्वार्टर है वो है तेशकांत के अंदर तो ये आपको याद में रखना है एस सी रैट्स बेसिकली क्या है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसका एम है टू काउंटर एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म सेपरेटिज्म इन द रीजन हेडक्वार्टर है देश में इंडिया इज द चेयर ऑफ द काउंसिल ऑफ एस सी कब सेंस कब से 28 अक्टूबर 2021 से ठीक है ये न्यूज में इसलिए रहे क्योंकि अभी रिसेंटली द मीटिंग वाज़ हेल्ड ऑफ द काउंसिल ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एस सी कहाँ पर न्यू डेली के अंदर जिसमें बातचीत हुई और ये बेसिकली हुआ कि अपने को काउंटर मतलब टू क्या डिसीजन लिए गए दैट वर टेकन सो एज टू चैलेंज द थ्रेट्स जो कि होते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल टेररिस्ट एस की बात करूं तो एस जो है वो क्रिएट हुआ था 2001 के अंदर कितने मेंबर्स हैं नाइन मेंबर्स हैं इंडिया मेंबर है बिल्कुल है लास्ट में जो अभी रिसेंट मेंबर बना वो कौन है ईरान ठीक है बा एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है काम करती है सो हैज टू ब्रिंग पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एस सी ओ का सेक्रेटरीट मैंने आपको बता दिया है बेस्ड इन बीजिंग और साथ ही साथ ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ जो सेक्रेटेट है द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द सेक्रेटेट वो होती है रशियन में या फिर चाइनीज में ठीक है अब्दुल लतीफ राशिद वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री चलिए बताइए चार ऑप्शंस हैं आपके सामने पेलेस्टीन इराक इजिप्ट या फिर यमन कहा के न्यू प्रेसिडेंट हैं अगर आप सोच रहे हो इराक तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो आप बिल्कुल सही हो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर और हाँ जो एस का बेसिकली हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है याद में रख लेना सॉरी बीजिंग के अंदर है ठीक है तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर इराक और ये इराक आप देख लीजिए कहाँ पर है इधर पोर्शियन गल्फ है आसपास ईरान है सीरिया है सऊदी अरेबिया है इधर गल्फ ऑफ ओमान है और इधर रेड सी भी है तो ये आपको याद में रखना मैप प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है तो वो करते रहा करो ठीक है चलिए तो ये सेशन यही मैं यहीं समअप करती हूँ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना टिल देन आई आरसू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक खुश रहें स्वस्थ रहें थैंक यू एवरी टेक केयर